इस बार मुहर्रम की चहलूम और दही हंडी एक ही दिन होने की वजह से मुमरा पुलिस स्टेशन में हनुमान अखाड़ा और शिया स्टे कमेटी के साथ डीएसपी गणेश गावड़े, सीनियर पीआई कुलहटकर ने मीटिंग ली। चहलूम और दही हंडी का जुलूस एक ही समय पर था, मगर पुलिस के साथ मीटिंग लेने के बाद शिया समुदाय और हनुमान अखाड़ा ने जुलूस के समय बदल दिया और दोनों लोगों की तरफ से जुलूस के रूट में भी बदलाव किया गया। शिया समुदाय और हनुमान अखाड़ा साथ ही डीसीपी गणेश गावड़े ने क्या बताया है, आपको सुनाते हैं। असल में क्या हो रहा था, कोलीवाड़े का टाइमिंग और इनका टाइमिंग हमारा सेम हो रहा था, तो माशाल्लाह से इन्होंने कोऑपरेट किया, एडजस्टमेंट करके हम लोगों ने तालमेल इस तरह से बिठाया है कि ये भी जुलूस निकलेगा और ये भी जुलूस निकलेगा, लेकिन फर्क ये होगा कि टाइमिंग का थोड़ा सा फर्क हो जाएगा। ये नारायण नगर से अंदर चले जाएंगे, हम लोग जुलूस लेके सीधा निकल जाएंगे, और जो कोलीवाड़ा की हंडी थी जो टाइमिंग सेम था उसको एक घंटा बढ़ा दिया, यानी हमारा जुलूस निकल जाने के बाद ये हंडी वहाँ फोड़ेंगे। तो इस तरीके से ये मुमरा कौसा की सभ्यता है, ये संस्कृति पहले से चली आती है, चली आ रही है, ये आज कोई नई बात नहीं है। मुमरा कौसा में एकता अखंडता के लिए तमाम मुस्लिम और हिंदू कभी भी ऐसी जरूरत आई है तो एकजुट होते हैं और एक दूसरे का एडजस्टमेंट करते हैं। इससे पहले हमने गणपति में भी ये किया था। अभी हमारे हिंदू भाई और मुस्लिम भाई सभी के साथ साथ मीटिंग हुई और आगे के आने वाली जो 40वां है उसका एक प्रोसेशन और दही हंडी वो प्रोग्राम जो सेलिब्रेट किया जाएगा, एक ही दिन आ रहा, एक ही साथ आ रहा, ये दोनों प्रोग्राम के लिए एक दूसरे को मदद कर कोऑर्डिनेशन रह के ये दोनों त्यौहार अच्छे से शांति से मनाए जाने के लिए यहाँ पे नियोजन हुआ और दोनों तरफ से पुलिस की ओर से बंदोबस्त रखा जाएगा, ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से वॉलंटियर्स रहेंगे और प्लानिंग ऐसा किया जाए कि जिससे ट्रैफिक जाम भी नहीं होगा और कहीं पे किसी को भी त्यौहार मनाने में दिक्कत नहीं।